मैं मुकुल राखी, कोऑर्डिनेटर जनता वैदिक आईएपीटी अन्वेषिका, और आज के दिन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हमने जो सीरीज शुरू किया है, एक्सपेरिमेंटल सीरीज, जिसमें बच्चे लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और उस सीरीज को हमने नाम दिया है डेवलपिंग एक्सपेरिमेंटल स्किल फॉर इन्वेस्टिगेशन देसी। तो वो देसी का जो पूरे का पूरा सेटअप है, मेरे से जिन ग्रुप्स में मैंने डाला था उनमें टीचर्स मेरे साथी पूछ रहे थे कि कैसे पूरा सेटअप बनाया गया है, आज का दिन उसी के लिए। अन्वेषिका के बारे में और जानने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप अन्वेषिका के बारे में जान सकते हैं, और आप हमारे न्यूज़लेटर को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्वेषिका बज के नाम से आता है, जिसमें हम टीचिंग से जुड़े हुए, फिजिक्स टीचिंग से जुड़े हुए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स, डेमोन्स्ट्रेशन, क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में हर एक महीने कुछ ना कुछ छापते रहते हैं। अब जो ये पूरे का पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है देसी का, फिलहाल का जो एक्सपेरिमेंट है वो है ऑप्टिकल बेंच के ऊपर। ऑप्टिकल बेंच हम सबके सब लोग अपने लैब्स में यूज करते हैं, बच्चों से एक्सपेरिमेंट कराते हैं, और मैं एक बहुत छोटे से कस्बे में रहता हूँ, शहर भी नहीं है, बट यहाँ एक बड़ी दिक्कत आती है कि ऑप्टिकल बेंच की जो संख्या है स्कूल में वो इतनी नहीं होती है कि हर एक बच्चा को आप दे सको कि ले इस पे तू 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा एक्सपेरिमेंट्स कर। और दूसरा, बच्चे लोग उसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट को देख के इतना अमेजिंग भी फील नहीं करते हैं, उसके साथ इतना फैमिलियर भी नहीं है, और ऊपर से सिलेबस का प्रेशर हमारे ऊपर होता है। तो वो जो 2-4 हज़ार रुपये की ऑप्टिकल बेंच आती है, वही सेम काम, वही सेम पर्पज एक्सपेरिमेंट सीखना और सिखाना, उसे आप 1 50 रुपये से भी कम कीमत के सेटअप के साथ करा सकते हैं। और सबसे खूबसूरती की बात यह है कि इस पूरे सेटअप पे एक बच्चा काम कर सकता है, अकेला घर ले जा सकता है, रीडिंग निकाल के आपको दे सकता है, और बाकी जिस भी तरीके से आप यूज करना चाहें इसे आप यूज कर सकते हैं। कैसे बनाते हैं आओ अब वो देखते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले तो ऑप्टिकल बेंच के लिए मैंने 20 रुपये का एक लेंस लिया है, कॉन्वेक्स लेंस है, और इस लेंस को होल्ड करेंगे हम लोग इससे। ये कपड़े सुखाने वाली पिन है, थोड़ी चौड़े बेस वाली है, और ये 5 रुपये का मिला है मुझे, और इस पिन में आप ऐसे लगा सकते हैं लेंस को, हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे, स्लिप करे तो बीच में पेपर लगा लेना, वो आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो सीख जाओ। ये पहली चीज, और याद रखिए आप ऊपर से देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट निडिल और इमेज निडिल के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ये देखो आप, ये टूथपिक्स हैं, और ये कलर कर दी गई है टिप ताकि आइडेंटिफिकेशन हो जाए। जो रेगुलर ऑप्टिकल बेंच होती है उसमें ये दिक्कत होती है, उसमें पता नहीं चलता इमेज पिन कौन सी है, ऑब्जेक्ट पिन कौन सी होती है, बच्चे लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ये जो पिन है इनका हम टूथपिक्स का इस्तेमाल करने वाले हैं पिन के तौर। अब इसके बाद में ये टूथपिक्स रखेंगे कहाँ हम? इसके लिए हम लोगों ने फर्नीचर के बफर लिए, इन्हें बफर के नाम से जाना जाता है, ये आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप पे मिल जाएंगे, ये बफर बोले जाते हैं, और ये 2 रुपए का एक मिला है, ये 2 मिला के 4 रुपए के। अब इनके अंदर इन पिन को डाले कैसे? तो इसके लिए हमने क्या किया है, हमने ये फोम के टुकड़े इनके अंदर डाले हैं ऐसे ऐसे, और ये एक टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, और इन दोनों को ऐसे चिपका के बीच में अपन लोग एल्फी लगा देते हैं। यहाँ हम लोग एल्फी डाल देते हैं, यहाँ चारों तरफ एल्फी डाल देते हैं, तो ये कुछ ऐसा बन जाता है, तो ये कुछ ऐसा बन जाता है, चिपक जाते हैं दोनों के दोनों। और अब आप इसमें आराम से इस पिन को डाल सकते हैं, ये पिन को डाल दिया, और हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं, इस पिन का हाइट भी थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, और ये बिल्कुल एकदम सही से वर्टिकली खड़ा हो जाता है। सेम आपको एक और पिन चाहिए तो अपन लोग एक और बना लेते हैं, और सेम तरीके से ये बन गया दूसरे वाला, दो अलग अलग कलर के पिन्स बन गए, और ये हमारा लेंस और लेंस का होल्डर। मेजरमेंट करने के लिए हमने मेजरिंग टेप का इस्तेमाल, और ये मेजरिंग टेप मिल जाती है अपने को 15 रुपए की, ये
ये मुझे 15 रुपए की मिली है, मैंने 20-22 खरीदी हैं, 20 सेटअप बनाए हैं, और ये मेजरिंग टेप मेजरमेंट लेने के लिए। इन तीनों को अपन लोग बिछा देते हैं किसी भी ओरिजेंटल सरफेस के ऊपर, प्रिफरेबली जिस बेंच पे बच्चे लोग बैठते हैं उस बेंच के ऊपर बिछा लो आप, किसी भी जहां से आप देख सको। एक को यहाँ रखो, एक को इस तरफ रखो, एक को इस तरफ रखो, हाइट एडजस्ट करो, इधर उधर जाओ, इधर उधर देखो, सब एडजस्टमेंट करना सीखो। और इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं बच्चों, वो सारी दिक्कतें जो ऑप्टिकल बेंच में नहीं आती है, पर उसकी इंजीनियरिंग को अप्रिशिएट करने के लिए बच्चे लोगों को मैंने सबसे आखिरी में दिखाया था वो ऑप्टिकल बेंच। तो जब भी मैं देसी कराता हूँ सबसे लास्ट में ऑप्टिकल बेंच दिखाता हूँ, वो इतने खुश होते हैं कि कितनी अच्छे से उसने सारे के सारे जो हमारे इसमें एरर आते हैं क्रूड सेटअप में, कैसे वहां पे उन एरर्स को दूर किया गया, और वो इंस्ट्रूमेंट के डिजाइन को भी अप्रिशिएट करते हैं। तो ये हमारा पूरा देसी का सेटअप राइटअप, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं। देसी को जितना हो सके आप फैलाएं। थैंक यू। ये जो सेटअप मैंने अभी आपको दिखाया है, ये पूरा का पूरा सेटअप मैंने पहली बार देखा था सोपान आश्रम में, IIT कानपुर में। प्रोफेसर वर्मा एक NGO चलाते हैं, HC वर्मा सर वहाँ। और इसमें जो पिन लगाने वाला सेटअप है उसका क्रेडिट जाता है एक मणिपुर के प्रोफेसर हैं, हमारे यहाँ बड़ौत में ही रहते हैं, डॉक्टर KS सिंह को। तो ये पूरा का पूरा एक कलेक्टिव एफर्ट है जो हम मैंने लोगों से सीखा है, और वही मैं कर रहा हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर सकते हैं, और देसी को जितना फैलाया जाए उतना बढ़िया है।